हे फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, कि सीओसी अकाउंट कैसे हैक कर सकते हैं। तो जो टॉपिक है ये एक्चुअली आप लोग जान चुके होंगे कि सीओसी अकाउंट जो है हैक नहीं होता है, इन लीगली हैक नहीं होता। लेकिन एक प्रोसेस है जिससे आप हैक कर सकते हैं। हैक नहीं, डायरेक्टली चोरी बोलते हैं, दूसरे का अकाउंट जैसे हम लोग चोरी कर सकते। देखो अभी इधर बहुत सारे बंदा है, जैसे कि मैं इस पर विजिट पर जा रहा हूँ, जो इसका अकाउंट है, तो ये मैं चोरी कर सकता हूँ, चोरी डायरेक्टली चोरी कर सकता हूँ, डायरेक्टली चोरी। लेकिन उसमें क्या है, गलत बात है दोस्तों, क्योंकि किसी का अकाउंट चोरी करना वो तो फर्स्टली गलत बात ही है। क्योंकि आप अगर 6 महीना 1 साल से वो बेस बना रहे हो तो आपका डायरेक्टली चोरी होता है, तो गलत ही रहता है। लेकिन कुछ कुछ लोग रहता है जो थोड़ा बेवकूफ़ रहता है, बेवकूफ़ बोले तो उसका बेसिक चोरी होता है ज़्यादातर। तो जैसे कि बेवकूफ़ किसको बोलते हैं, अभी क्या वो इसका भी प्रोसेस बताता हूँ कैसे हैक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों प्लीज़ चोरी मत कीजिए किसी का अकाउंट। लेकिन मेरे कुछ कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि हैक कैसे किया जाता है या फिर कैसे चोरी किया जाता है अकाउंट, वो दिखाओ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, देखो कैसे चोरी किया जाता है। हाँ दोस्तों, क्या करना है दोस्तों, तो दोस्तों देख लीजिए क्या करना है। पहले आपको ग्लोबल में जाइए, ग्लोबल में जाके कुछ भी मतलब लिखना है। जैसे मैंने लिखा एनीवन नीड टाउन हॉल 10 ऐसे लिखना है। तो अगर किसी ने रिप्लाई किया, ग्लोबल में तो बहुत सारा ही रहता है, तो किसी ना किसी तो रिप्लाई करेगा, वो रिप्लाई करेगा तो उसके साथ चैटिंग करना है। अगर वो बोलता है हाँ मेरे को दोस्त, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, वो बोलेगा। फिर उसको क्या करना है, उसको बोलना है कि ठीक है मैं तुमको अकाउंट मेरा दे दूंगा टाउनल 10, लेकिन तुम्हारा टाउनल कितना है अभी, तो उससे पूछ लेने का। क्योंकि जब चोरी कर रहे हो तो थोड़ा अच्छा वाला टाउनल चोरी करने का ना। फिर वो बोलेगा मेरा 9 है, क्योंकि जिसको 10 चाहिए उसका 9 रहेगा, नहीं तो 8 रहेगा, तो वही लोग बंदा लोग 10 ही चाहता है। फिर क्या आता है, ठीक है उसको बोलने का, ठीक है मैं दोस्तों मैं दे रहा हूँ मेरा टाउन हॉल, लेकिन हाँ मेरा जीमेल ले लो। आपका पहले जो एक फ्री वाला जीमेल रहना चाहिए, जो कभी भी यूज़ नहीं हुआ ऐसे वाला एक जीमेल रहना चाहिए, जो कि उसको दे देना है, जो जीमेल दे देना, कभी भी किधर भी यूज़ नहीं है। बोला बोलने का है कि ये जीमेल में मेरा वो टाउनल 10 है, वो टाउनल 10 है वो जीमेल में। तो क्या करो तुम, सुपर सेल आईडी आपका जो, जैसे इधर सुपर सेल आईडी रहता है वो डिसकनेक्ट, मेरा डिसकनेक्ट ऑलरेडी डिसकनेक्ट रहते, तो उधर बोलने का कि उधर जाओ सुपर सेल आईडी डिसकनेक्ट का नीचे देखो रजिस्टर नाउ है, रजिस्टर नाउ पे कंटिन्यू करने के बाद मेरा जीमेल डाल दो। देखो दो टाइम जीमेल डालने का दिया है, तो दो टाइम जीमेल डालना है। डालने के बाद रजिस्टर करने से क्या होता, वो अगर रजिस्टर करता है तो एक कोड मांगता है, वेरीफाई कोड। तो वो कोड क्या है, मेरे जीमेल में आएगा, मेरे जीमेल मतलब मैंने उसको जीमेल दिया तो मेरे ही जीमेल में आएगा। तो ऐसा करके मेरे जीमेल में कोड आएगा, तो जो मैं उसको कोड दे दूंगा, बोलने का कि हाँ तुम मेरा जीमेल आईडी डालो, अगर कोड मांगता है मैं दे दूंगा, फिर मेरा टाउनल 10 जो है वो तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये होता नहीं दोस्तों, जो उसका जो टाउनल है, मानो उसका टाउनल अभी 9 है, तो वो टाउनल 9 पे वो क्या कर रहा है, आपका जो जीमेल है या फिर मैं जो जीमेल दे रहा हूँ उसको, वो जीमेल पे उसका जो गेम है फुल्ली रजिस्टर्ड हो जाता है। मतलब क्या होता है, उसका गेम वो मेरे को दे देता है, वो बिना समझे ही मेरे को दे देता है। जब भी मैं अभी वो उसको, अगर वो बैठा के मैसेज करेगा कि दोस्त मैं बैठा दिया लेकिन वेरिफिकेशन कोड दे दीजिए, तब आपके पास एक कोड आएगा, आप उसको दे देने का। फिर कोड जब भी बैठा आएगा ना, तो आपका ही जीमेल पे रजिस्टर्ड हो गया, क्योंकि जीमेल का पासवर्ड तो आपको पता है, उसको तो पासवर्ड पता नहीं, तो उसने आपके जीमेल के नाम पे वो गेम कर दिया। तो इसी तरह क्या होता है, बाद में आप जब आपके इधर जब जाओगे, जब भी आप सुपर सेल या फिर जीमेल पे जाओगे, जीमेल ऑन करोगे, तो उसका फ़ोन से टोटली वो गेम आउट हो जाएगा और आपके गेम में आ जाएगा, तो टोटली आपके गेम में आ जाएगा। तो ऐसे करके हैकिंग कर सकते हो, लेकिन ये इलीगली है। फिर भी चलो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कैसे चोरी करना है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई दिक्कत हो रहा है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर मैसेज का रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।